आपके साथ कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद। नाले में तैरता नजर आया नवजात शिशु का शव, रुके लोगों के कदम। बता दें थाना दक्षिण क्षेत्र हिमायूपुर नाले की पुलिया के पास का मामला है। बताया कि बहुत ही शर्मनाक किसी ने यहाँ पर शव डाला, लगभग 5 माह का बच्चा है। बता दें फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र हिमायूपुर नाले की पुलिया के पास नाले में नवजात शिशु का शव तैरता देख आसपास के लोग एकत्रित हो गए। देखते ही देखते मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। उक्त बच्चे के शव को नाले से बाहर निकाला गया। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना था कि बहते पानी के साथ नाले में बहता हुआ एक बच्चे का शव जा रहा था, किसी बच्चे ने देख लिया। अन्य लोगों को बताया तो यहाँ काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। नवीन कुमार राठौर ने बताया कि बच्चा मिला है, किसी ने डाला है यहाँ, बहुत ही शर्मनाक गलत हादसा है, इससे गलत संदेश जाता है। लड़का है लगभग 5 महीने का, फिलहाल बच्चे के शव को देखकर हर कोई उदास था। नाले में जाता हुआ बच्चा जा रहा था बह के पानी के साथ, इसीलिए किसी बच्चे ने देख लिया और इस माध्यम में उसने जनता को बता दिया। जनता की भीड़ लग गई, फिर पुलिस को कंफर्म कर दी, पुलिस आ गई, बच्चे को पुलिस ले गई। तो क्या बच्चा है, ये बच्ची है? बच्चा है, बच्चा है, लड़का है। क्या उम्र रही होगी बच्चे की, पता? 3-4 महीना का होगा लगभग। यहाँ पे हादसे होते रहते हैं इस तरीके, नाले किनारे ना लोग। मेरा नाम नवीन कुमार राठौर है। नवीन जी, यहाँ पे ये बच्चा मिला है, क्या मामला, क्या पूरा? ये बच्चा जो है किसी ने बच्चे को नाले में फेंका है और इधर से रहना से उधर से किसी ने डाला है और इधर टहलते हुए यहाँ देखा गया है। यहाँ की जनता ने ये देखा है, प्रशासन को बुलाया गया है और आप लोगों को मीडिया को बुलाया है। ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक और गलत हादसा है, इनसे बहुत ज़्यादा जनता को गलत संदेश जाता है। लड़का है या लड़की है, कितनी उम्र? बच्चा है शायद, कि बच्ची लड़का है। ये क्या उम्र होगी? बच्चा जो 5 महीने का लगभग। कौन सी जगह है ये? भावपुर वार्ड नंबर 28 है। इस समय जो बच्चा रखा हुआ है वार्ड नंबर 28 में। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल CB मार्केट के पीछे बाईपास रोड फिरोजाबाद। शांत सुरम्य वातावरण, शहर के बीच भव्य विद्यालय का भवन, साफ स्वच्छ हवादार एवं सुंदर फर्नीचर से युक्त कक्षाएं, सुसज्जित प्लेवे, आंतरिक एवं बाहरी खेलों की व्यवस्था, स्वच्छ पीने योग्य जल की व्यवस्था, योग्य एवं अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विशाल खेल परिसर, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त अध्यापन की व्यवस्था, संस्कार एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों की कौशल क्षमता का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अध्यापन कार्य, कक्षाओं में विद्यार्थियों की सीमित संख्या, व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय समय पर विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु लेके जाना, कम खर्च व कम फीस में अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को लेने और छोड़ने हेतु उचित वाहन व्यवस्था।